दोस्तों आज की वीडियो डिसीजंस के ऊपर है। डिसीजंस यानी कि निर्णय हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक डिसीजन आपकी लाइफ बना भी सकता है और ख़राब भी कर सकता है। डिसीजंस जैसे कि शादी से रिलेटेड डिसीजन या फिर करियर से रिलेटेड डिसीजन, अगर आपने गलत ले लिए तो आपकी पूरी लाइफ खराब हो सकती है, और अगर सही ले लिए तो आपकी लाइफ पूरी तरीके से बन सकती है। वैसे अभी अभी आपने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है इस वीडियो को देखने का, अब एक डिसीजन और लीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा। आप बहुत अच्छी बातें सीखेंगे जिससे आपके डिसीजन लेने की पावर 10 times इम्प्रूव हो जाएगी, तो इस वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा। सो दोस्तों, सबसे पहले मेरा आपसे एक सवाल है जिसका जवाब आप इस वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो क्वेश्चन ये है कि एक दिन में आप कितने डिसीजन लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या लगता है आप कितने डिसीजन लेते हैं, ये जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सो अब आप वीडियो को पॉज कर दीजिए। अगर आपने जवाब दे दिया है तो मैं आपको इसका सही जवाब दे देता हूँ। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के एस्टीमेट के अनुसार एक दिन में एक इंसान 35,000 रिमोटली कॉन्शियस डिसीजन लेता है। अब हो सकता है आपको ये बात सच ना लगे, तो मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो को देखने से पहले आपने कम से कम 15 डिसीजन लिए हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। सबसे पहले आपने अपने फ़ोन को अनलॉक किया होगा, तो आपने डिसीजन लिया होगा फिंगरप्रिंट से अनलॉक करूँ, फेस कैम से अनलॉक करूँ या फिर पासवर्ड डाल के अनलॉक करूँ। उसके बाद आपने सोचा होगा कौन सा ऐप मैं देखूँ, तो फिर आप YouTube पे आए। उससे पहले आपने सोचा होगा रीसेंट ऐप से खोलूँ या फिर मेन्यू में जाकर खोलूँ, तो फिर आपने मेन्यू में जाकर खोला। उसके बाद आपने एक डिसीजन लिया होगा सर्च करके वीडियो देखूँ या फिर मेन्यू में जाकर देखूँ, तो आपने मेन्यू में जाकर देखी। उसके बाद फर्स्ट वीडियो आपको पसंद नहीं आई तो ये एक डिसीजन लिया, फर्स्ट नहीं देखनी है, सेकंड नहीं देखनी है, थर्ड नहीं देखनी है, फोर्थ नहीं देखनी है। ऐसे हो सकता है आपने 50 वीडियोस के बैनर देखे हों और ये 56th, 57th वीडियो आपको जो पसंद आई वो आपने देखी। तो इस तरीके से आपने कम 10 से 15 डिसीजन तो लिए ही होंगे, हो सकता है 100 या 200 डिसीजन भी लिए हों। ये डिसीजन आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते हैं, तो आप इन डिसीजन को रिमोटली कॉन्शियस होकर ले सकते हैं, लेकिन कुछ डिसीजन आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकते हैं, तो उन्हें आपने कॉन्शियसली लेना चाहिए। अब मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहा हूँ जिनसे आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं, हो सकता है कि आप 10 times बेटर डिसीजन लें। और ये सभी पॉइंट्स मैं आपको शीना अयंगर की बुक द आर्ट ऑफ चूजिंग से बताने जा रहा हूँ। सो दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, आवर चॉइसेस आर डिटरमाइंड बाय 2 अपोजिंग सिस्टम। अब दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि हम डिसीजन कैसे लेते हैं। दोस्तों हम डिसीजन तब लेते हैं जब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं और हमें लगता है कि जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जो हमें रैशनल लगता है, हम उसके बेसिस पे उस डिसीजन को ले लेते हैं। लेकिन इस चॉइस को या फिर डिसीजन को स्टडी करने के लिए रिसर्चर्स ने एक रिसर्च की थी जिसमें उन्होंने जो स्टूडेंट्स थे उन सभी को एक मैंगो दिया और उन्होंने कहा या तो आप इस मैंगो को अभी खा सकते हो, लेकिन अगर आप वेट करोगे तो जब मैं वापस आऊँगा तब मैं आपको 2 मैंगो दूंगा। जिन बच्चों ने उसी टाइम मैंगो खा लिया, इससे पता चला कि उनका जो ऑटोमेटिक सिस्टम था वो प्रीडोमिनेंट था, मतलब उनका ऑटोमेटिक सिस्टम ज़्यादा पावरफुल था। जैसे ही उनके सेंसेस के थ्रू उन्हें मैंगो की खुशबू आई और उन्होंने उस मैंगो को खा लिया। जिन बच्चों ने वेट किया उनका रिफ्लेक्टिव सिस्टम ज़्यादा प्रीडोमिनेंट था। रिफ्लेक्टिव सिस्टम वो सिस्टम होता है जो रीज़न और लॉजिक पर बेस्ड होता है। सीधी भाषा में कहूँ तो रिफ्लेक्टिव सिस्टम का मतलब है सोच समझकर डिसीजन लेना, और ऑटोमेटिक सिस्टम का मतलब है कि बिना सोचे समझे जल्दबाजी में डिसीजन ले लेना। अब इस मैंगो वाली स्टडी को जब रिसर्चर्स ने बाद तक फॉलो किया तो उन्हें पता चला कि जिन बच्चों ने वेट किया था सेकेंड मैंगो को खाने के लिए, यानी कि जिनका रिफ्लेक्टिव सिस्टम ज़्यादा पावरफुल था, जो सोच समझकर डिसीजन लेते थे, वो ज़्यादा सक्सेसफुल बने थे एकेडमिकली भी और फाइनेंशियली भी। तो अगर आप बेटर डिसीजन लेना चाहते हैं तो आपको रिफ्लेक्टिव सिस्टम का यूज़ करना चाहिए। इससे आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑटोमेटिक सिस्टम का यूज़ ना करें। ऑटोमेटिक सिस्टम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब कभी एक्सीडेंट हो जाता है या कोई एमरजेंसी होती है, तो दोनों ही सिस्टम ज़रूरी हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए आपको रिफ्लेक्टिव सिस्टम का यूज़ करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, वी ऑफन यूज ह्यूरिस्टिक्स टू हेल्प अस मेक डिसीजंस बट दीज कैन बी फॉल्टी। दोस्तों ह्यूरिस्टिक्स का मतलब होता है एक्सपीरियंस के बेसिस पे। कई बार हम डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन हम अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो डिसीजन ले रहे हैं वो डिसीजन सही हो। कई बार हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो हम डिसीजन ले रहे हैं वो अवेलेबिलिटी बायस की वजह से बायस्ड डिसीजन होता है।
अवेलेबिलिटी बायस का मतलब होता है हम उस बात को सच मान के डिसीजन ले लेते हैं जो बात हमारी मेमोरी में ईजिली अवेलेबल होती है। तो हर बार ऐसा सही नहीं होता है कि जो हमारी मेमोरी में ईजिली अवेलेबल है, जो एक्सपीरियंस है, वो सही हो। मैं जानता हूँ मैंने अभी जो बात कही है वो शायद आपको समझ नहीं आई होगी, तो इस एग्जाम्पल से वो बात आपको क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए आप अपने दोस्त को एक टाई गिफ्ट करना चाहते हैं, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपको कहेगा कि जिस कलर की टाई वो जनरली पहनता है उस कलर की टाई उसको गिफ्ट करना बेस्ट रहेगा। ये हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे होगा। अब जब हम उसके कलर के बारे में सोचेंगे तो हमें कोई ब्राइट कलर याद आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि हमारी जो मेमोरी है वो ब्राइट कलर्स को ज़्यादा वक्त तक याद रखती है। जबकि हो सकता है आपका दोस्त ग्रे कलर की टाई ज़्यादातर पहनता हो, और यहाँ पर जो आप डिसीजन लेंगे वो मेमोरी की वजह से आप गलत डिसीजन ले लेंगे। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। इसका मतलब यह है कि जो भी डिसीजन आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ले रहे हैं उसको क्रॉस चेक कीजिए कि आपका जो डिसीजन है वो सही है या नहीं है। पॉइंट नंबर 3, वी वॉन्ट टू मेक यूनिक चॉइसेस एज लॉन्ग एज दे आर नॉट टू यूनिक। दोस्तों हर इंसान खुद को अलग दिखाना चाहता है और स्पेशल फील करना चाहता है, इसके लिए कई बार वो ऐसी चॉइस करता है जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो चॉइस ऐसी होती है जो थोड़े बहुत लोग कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही अलग चॉइस नहीं करना चाहता, लेकिन खुद को अलग दिखाने के लिए थोड़ी यूनिक चॉइस करना चाहता है। इसलिए कई बार जब आप रेस्टोरेंट में कुछ ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पर आप बाकी लोगों ने जो ऑर्डर किया होता है उससे कुछ डिफरेंट ऑर्डर करते हैं ताकि आप खुद को अलग नज़र आएँ और आप स्पेशल फील करें। तो इस वजह से भी कई बार हमारी जो चॉइसेस होती हैं, हमारे जो डिसीजन होते हैं, वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं क्योंकि हम खुद को अलग दिखाना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 4, आवर कल्चर हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर आवर चॉइसेस। दोस्तों हमारा जो कल्चर है उसका हमारी चॉइसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। कल्चर का मतलब होता है हमारा और हमारे आसपास के लोगों का जीवन जीने का तरीका, हमारा बिहेवियर, हमारा बिलीफ। तो ये चीज़ हमारे डिसीजन लेने पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। पॉइंट नंबर 5, लिमिटेड ऑप्शंस हेल्प अस टू मेक डिसीजंस। दोस्तों हमारे पास जितने ज़्यादा ऑप्शन होते हैं उतना मुश्किल होता है डिसीजन लेना। तो जब आपके पास ऑप्शंस हैं तो आप ऑप्शंस को तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें कैटेगरी में बांट सकते हैं। उसके बाद ऑप्शंस कम हो जाएंगे, उनमें से फिर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे आपका जो डिसीज़न लेने का तरीका होगा वो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, और जो डिसीज़न आप लेंगे वो एक बेस्ट डिसीज़न होगा। पॉइंट नंबर 6, प्लेसिंग स्मार्ट लिमिट्स ऑन योर चॉइसेस कैन मेक यू अ बेटर डिसीजन मेकर। दोस्तों इससे पहले वाले पॉइंट पे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जितने ज़्यादा ऑप्शन होते हैं उतना ज़्यादा मुश्किल होता है हमारे लिए डिसीजन लेना। और साइकोलॉजी का कहना है कि एक इंसान एक टाइम पे 7 से ज़्यादा ऑप्शन हैंडल नहीं कर सकता है। तो अगर आपके पास किसी चीज़ के 7 से ज़्यादा ऑप्शन हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप गलत ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो अगर आप कुछ स्मार्ट लिमिट सेट कर लेते हैं तो आप एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं। एग्जाम्पल, आप अपने लिए एक मोबाइल खरीदना चाहते हैं तो मार्केट में 150 या 200 से ज़्यादा ऑप्शन है मोबाइल खरीदने के लिए। तो मोबाइल को सेलेक्ट करते वक्त आप सबसे पहले ब्रांड सेलेक्ट कर लीजिए कि मुझे XYZ ब्रांड नहीं लेना है, ABC ब्रांड नहीं लेना है। तो फिर कुछ ब्रांड आपके पास रह जाएंगे। उन ब्रांड के बाद आप अपना एक बजट सेट कर लीजिए। उसके बाद आपके पास अपने बजट के अंदर कुछ बेस्ट ऑप्शंस रह जाएंगे। फिर आप बेस्ट में से बेस्ट ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे तो आपका डिसीज़न भी बेस्ट ही होगा। सो दोस्तों जब हम कोई डिसीज़न लेते हैं तो हमारा डिसीज़न बहुत सारे ऑप्शंस होने की वजह से, कल्चर की वजह से, या फिर हमारी अवेलेबल मेमोरी की वजह से, और भी बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारा जो डिसीज़न होता है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है और प्रभावित होता है। तो अगर आप सही डिसीज़न लेना चाहते हैं तो आपको उस डिसीज़न को लेने के बाद जो एडवांटेजेस हैं और उसके डिसएडवांटेजेस हैं वो दोनों देख लेने चाहिए, और जिसके ज़्यादा एडवांटेजेस होंगे वही डिसीज़न आपको लेना चाहिए। धन्यवाद।